इसराइल और गाजा में चल रहे जंग के बीच जिस तरह से लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने उत्पात मचाया हुआ है, वो काफी ही ज्यादा चिंता का विषय होता चला जा रहा है। लगातार इसराइल के मित्र देशों को पहले तो हूती विद्रोहियों ने निशाना बनाने का ऐलान किया, लेकिन बाद में जिस तरह से हूती विद्रोही वहां से गुजरने वाले हर जहाज को निशाना बनाने लगे, वो काफी चिंता का विषय था। लाल सागर में रूस के जहाजों को पहले हूती विद्रोहियों ने निशाना नहीं बनाया, लेकिन इस तनाव के कारण लाल सागर से हो रहे भारत रूस कारोबार पर एक बड़ा दबाव पड़ा है, एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। खबर है लाल सागर में तनाव के चलते भारत से रूस को प्रति कंटेनर सामान की डिलीवरी 26% ज्यादा महंगी हुई है। एशिया इंपोर्ट ग्रुप ने RIA नोवोस्तिसी को बताया है कि हूती विद्रोहियों के हमले के कारण भारत अफ्रीका के एक वैकल्पिक मार्ग से रूस को सामान भेज रहा है। इस मार्ग से प्रति कंटेनर भाड़ा स्वेज नहर के माध्यम से डिलीवरी की तुलना में $1,000 या 26% अधिक महंगा है। व्यापार और रसद कंपनी एशिया इंपोर्ट ग्रुप के विशेषज्ञों ने बताया कि समुद्री मालवाहक अब भारत से रूस के नोवोरोसियस्क बंदरगाह तक सामान पहुंचाने में अफ्रीका के वैकल्पिक रास्ते को तरजीह दे रहे हैं। इस रूट से माल की डिलीवरी लाल सागर के मुकाबले महंगी भी पड़ रही है और वक्त भी ज्यादा लग रहा है, लेकिन जिस तरह से हूती विद्रोहियों ने ठाना हुआ है कि वो इसराइल और उससे जुड़े हुए हर जहाज को निशाना बनाएंगे, इस कारण से उस मार्ग पर अब लोग जाने से बच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस समाधान का हल करने की कोशिश नहीं की गई। भारत ने ईरान से लेकर तमाम उन बड़े देशों से इस विषय पर बात की जिससे इस मामले को सुलझाया जा सके, लेकिन वक्त वक्त पर हूती विद्रोहियों और अमेरिका के बीच होने वाले हमले से यह मामला और भी ज्यादा खिंच गया, जिसके कारण हूती विद्रोही और भी ज्यादा आक्रामक हो गए। इसके एवज में अमेरिका की तरफ से भी, ब्रिटेन की तरफ से भी लगातार हवाई हमले किए जाते रहे हैं, और यही वजह है कि अब हूती विद्रोही अपने इलाके में पड़ने वाले उन तमाम जहाजों को निशाना बना रहे हैं जिससे वो दुश्मनों को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन उस रास्ते से होने वाला व्यापार इसकी चपेट में आया हुआ है, और यही वजह है कि अब तमाम देश वैकल्पिक रास्ता अपना रहे हैं, जिसमें भारत भी रूस को सामान भेजने के लिए वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है और उसे कारोबार महंगा पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।